इसमें सभी प्रोडक्ट्स बिल्कुल धीरे धीरे एक एक वन बाय वन दिखाऊंगी आपको। उससे पहले हम थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शॉक्सी हॉल। सो गाइज, ये हॉल होने वाला है एक ह्यूज हॉल, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ शेयर करूँगी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं शॉक्सी के, तो वो आज सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइज। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड बिल्कुल भी कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हैं। सो गाइज, आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो चलिए गाइज, देर ना करते हुए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, किसी भी प्रोडक्ट की मैं आउटर पैकेजिंग नहीं दिखाने वाली हूँ कि मुझे किस टाइप की पैकेजिंग में रिसीव हुई थी, बिकॉज मैं सभी की अनबॉक्सिंग वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो कि मुझे किस टाइप से एंड किस पैकेजिंग में ये सभी प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे गाइज। सो हम डायरेक्ट मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, बिकॉज अगर मैं सभी की पैकेजिंग दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइज, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि कुछ इस टाइप के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है, मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, साथ में ये बॉक्स है प्लास्टिक का, ये भी अच्छा है मीन्स, एंड इसमें हमें रिसीव हुआ है। सो गाइज, फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये, जिसमें मुझे एक इयररिंग्स का पेयर एंड एक मांग टीका रिसीव हुआ है कुछ इस टाइप का, जो कि देखने में बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइज। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं देखने में, मीन्स जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। इनका जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कुंदन का वर्क है इनमें, आप देख सकते हैं कुंदन का वर्क हो रखा है, एंड ये नीचे कलरफुल बीड्स लगे हुए हैं, तो ये हमारी हर एक आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच होंगे, बिकॉज इनमें कलरफुल बीड्स लगे हुए हैं, तो आप किसी भी आउटफिट के साथ ये ईजिली कैरी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मीन्स वियर करने में पार्टी वगैरह में किसी फंक्शन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं थोड़े बड़े टाइप के मांग टीका एंड ईयरिंग्स। सो इसके साथ कोई हमें नेकलेस वगैरह नहीं रिसीव हुआ है, बिकॉज ये इन अगर हम इसे वियर करेंगे तो इसके साथ किसी भी नेक पीस या नेकलेस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद में ही इतने ज़्यादा कंप्लीट लुक देंगे आपको कि आपको नेकलेस वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है इनके साथ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे गाइज। ये मैंने मंगवाया अपनी मेहंदी लुक के लिए, मैं मेहंदी लुक क्रिएट करूँगी इसके साथ, जो कि एकदम परफेक्टली मेरे आउटफिट के साथ जाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे उस पर, एंड आप ये किसी भी आउटफिट के साथ डाल सकते हैं, किसी सूट के साथ, लहंगे के साथ, क्रॉप टॉप के साथ, गाउन के साथ, मीन्स हर एक आउटफिट पे जाएंगे ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड इनकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं मेहंदी लुक की पिक साइड में लगा दूँगी या वीडियो कुछ भी मैं साइड में लगा दूँगी, तो आप देख सकते हैं किस टाइप कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये वेयर किए हुए एंड किस टाइप का इनका लुक आएगा, तो आपको पिक एंड वीडियो से पता लग जाएगा। तो गाइज, ये मुझे पड़े हैं ओनली 240 के, मीन्स एक ईयरिंग्स का पेयर एंड मांग टीका ये सिर्फ 240 का है गाइस, कैन यू इमेजिन। अकेला मांग टीका भी 240 का नहीं आता, ऑफकोर्स 300 प्लस का एक मांग टीका ही आता है, बट मुझे सारा पेयर 240 के अंदर मिला है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगा मुझे तो। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये, जिसके ऊपर लिखा हुआ है यू बेला बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी पैकेजिंग है एंड यू बेला इसका ब्रांड है, कोई यू बेला की ज्वेलरी है। सो गाइज, इसमें मुझे रिसीव हुआ है ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट रोज गोल्ड कलर में। सो गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर है इसका रोज़ गोल्ड एंड आपकी हर एक आउटफिट के साथ जाएगा ये। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है देखने में,
एंड हैंड में पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मैरिड हो तो भी आप पहन सकते हो, अगर आप गर्ल हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आप किसी पार्टी फंक्शन में जाना है तो भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आप पर। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसका कलर है, कितना ज़्यादा प्यारा है बहुत ही ज़्यादा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा वियर किया हुआ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये गाइस। मैंने अपने एंगेजमेंट लुक में से वियर किया था गाइस, अगर आपने मेरा वो लुक देखा हो तो आपको ज़रूर पता होगा। मैं उसकी साइड में पिक लगा दूंगी, आप देखना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये पहना हुआ। एंड आप इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, कुछ इस टाइप से इसकी चेन है तो आप एडजस्ट कर सकते हो इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। एंड इसका प्राइस है गाइस ओनली 174, ओनली 174 में आपको इतना प्यारा सा ब्रेसलेट मिल रहा है। सो गाइस बहुत अच्छा है, मीन्स आपको किसी और ऐप पे नहीं मिलेंगे इतने सस्ते प्रोडक्ट्स जितने आपको शॉपसी पे मिलेंगे। एंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड यू बेला की ज्वेलरी अच्छी है, आप इस ब्रांड की ज्वेलरी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे ये, जो कि मुझे कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, एक डब्बी में अगेन। सो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि हम यूज़ करने के बाद इसे वापस से इसी में पैक करके रख सकते हैं संभाल कर, तो मुझे इस टाइप की पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। एंड लेट्स सी कि इसमें क्या है। सो गाइज इसमें मुझे रिसीव हुआ है कुछ इस टाइप का नेक पीस, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है ये, बहुत ही ज़्यादा रोज़ गोल्ड इसका कलर है। रोज़ गोल्ड पता नहीं मुझे आजकल रोज़ गोल्ड कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, एंड रोज़ गोल्ड कलर की ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस वियर की हुई। एंड हमारे हर एक आउटफिट के साथ चल भी जाते हैं, चाहे वो सिल्वर टच में हमारा आउटफिट या गोल्डन में, तो दोनों के साथ इस टाइप की ज्वेलरी आप ईज़िली वियर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है गाइस ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा वर्क किया हुआ है। एंड एकदम से गर्लिश सी इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पतली सी चेन में डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या अनमैरिड गर्ल हो तो भी आप अपने आउटफिट्स के साथ इस टाइप के नेकलेसेस वियर कर सकते हो। सो आप पर भी ये बहुत अच्छे लगेंगे, अनमैरिड गर्ल्स पर भी, अगर आप मैरिड हो तो भी आप वियर कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा ये भी खूबसूरत है। एंड इसके साथ गाइस मुझे रिसीव हुए हैं कुछ इस टाइप के इयररिंग्स, सो इस टाइप के आपको दो इयररिंग्स मिल जाते हैं इसके साथ, जिसके ऊपर इसी टाइप का वर्क किया हुआ है, ऐसे फ्लावर बना हुआ है, इसके बीच में स्टड्स लगे हुए हैं सिल्वर कलर के स्टोन्स टाइप के। सो इयररिंग्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। आती है मैंने इसे किसी स्पेशल लुक के लिए ऑर्डर किया है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। सो गाइज उस लुक पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसका प्राइस जब आप सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे गाइज। सो गाइज इसका प्राइस है ओनली 193, मींस 193 में आपको इतना प्यारा नेक पीस मिल रहा है विद इयररिंग्स। सो जस्ट इमेजिन, किसी भी वेबसाइट पे आपको इतना सस्ते, मतलब इतनी सस्ती ज्वेलरी नहीं मिलती है यार, 200 में कुछ भी नहीं आता है। बट मुझे इस ऐप पे काफ़ी अच्छी ज्वेलरी एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल गई, बिकॉज मुझे अपने लुक्स के लिए चाहिए थी ज्वेलरी, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज में ज्वेलरी मिल गई है। सो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो गाइस। सो गाइस शॉपसी क्या है, शॉपसी फ्लिपकार्ट का ही एक ऐप है, मीन्स आपको सभी प्रोडक्ट्स इस टाइप की पैकेजिंग में रिसीव होंगी, जिनके ऊपर आपको फ्लिपकार्ट लिखा हुआ मिलेगा। आई विल शो यू, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आपको रिसीव होंगे जिनके ऊपर फ्लिपकार्ट ही लिखा हुआ मिलेगा, बिकॉज शॉपसी ऐप क्या है, फ्लिपकार्ट का ही एक पार्ट है गाइज। तो आप शॉपसी ऐप से प्रोडक्ट्स बाई कर सकते हो ईजिली, वो भी फ्लिपकार्ट का ही एक पार्ट है। एंड अगर आप कुछ भी फ्लिपकार्ट में ऐड टू कार्ट या विश लिस्ट करोगे ना, तो वही सेम प्रोडक्ट्स आपको शॉपसी में भी ऐड टू कार्ट एंड विश लिस्टेड हुए मिलेंगे, बिकॉज दोनों एक ही। एंड गाइस शॉपसी पे आपको ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लिपकार्ट, बिकॉज शॉपसी सस्ता ऐप है थोड़ा सा, एंड उसके ऊपर सेल्स वगैरह आती रहती हैं, कुछ ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, जैसे कि 45 का स्टोर, 95 स्टोर एंड 5 रुपीज़ की भी डील आती है वहाँ पे। अभी फ़िलहाल वो 1 बजे आती है, अलग अलग टाइमिंग हो जाती है उसकी, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं।
फाइव रुपीज़ वाली जो डील आती है उसमें सिर्फ हम मंथ में एक ही बार 5 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। वो सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही आती है, उसी में आपको अपना प्रोडक्ट जल्दी से ग्रैब करना होता है। सो इस टाइप से ये शॉपसी ऐप है एंड इस पर फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जो सेम प्रोडक्ट हमें फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा प्राइस का मिलता है उससे थोड़ा बहुत 20-40 रुपीज़ का फ़र्क होता है शॉपसी पे, उसे थोड़ा सा कम प्राइस पे मिलता है हमें। सो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे शॉपसी ऐप का भी एंड बाकी सभी प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स डाल दूंगी, तो आप क्या करना वहाँ से लिंक पे जाके फ्लिपकार्ट में ऐड टू कार्ट कर लेना, देन शॉपसी से ऑर्डर कर देना। बिकॉज शॉपसी पे लिंक नहीं होते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट शॉपसी का लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ गाइज। सो मैं आपको फ्लिपकार्ट के लिंक दे दूंगी, तब वहाँ से जाके ऐड टू कार्ट करना एंड देन शॉपसी से ऑर्डर प्लेस कर लेना। तो चलिए गाइज देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। सो गाइज मेरा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, आई होप आप इसे देख के समझ ही गए होंगे कि ये क्या है गाइज। ये है हमारी हल्दी एक्सेसरी जो हम हल्दी में वेयर करते हैं हल्दी फंक्शन में। सो गाइज ये है कुछ इस टाइप से हमारी हल्दी की एक्सेसरी जो कि हम अपनी हल्दी वगैरह में हल्दी फंक्शन में या मेहंदी में इस टाइप की एसेसरी वेयर करते हैं। मैंने अपने हल्दी लुक के लिए मंगवाई थी, इसकी वीडियो एंड फोटोज़ मैं आपको साइड में दे दूंगी, मैंने वेयर की थी तो आप देख लेना इसका कितना अच्छा लुक आता है गाइस। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये वेयर की हुई। सो इस टाइप से आपको ये नेकलेस मिलेगा इसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। एंड इसमें इस टाइप से लटकन है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। एंड उसके बाद इसमें हमें रिसीव होते हैं इयररिंग्स, कुछ इस टाइप के हैं ये भी, सेम नेकलेस के जैसे हैं, फ्लावर बना हुआ है एंड इस टाइप से ये बीड्स पे बीड्स लगे हुए हैं एंड वो लटक रहे हैं इसमें। सो ये हमारे इयररिंग्स और इसमें हमें रिसीव होता है गाइज एक मांग टीका कुछ इस टाइप का, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे इसके बीड्स लगे हुए हैं तो ये जब बालों में लगा होता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये कुछ इस टाइप से इसकी लुक आती है ऊपर तक, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। एंड इसके साथ है गाइस हमारे दो हैंड्स में वेयर करने वाले ब्रेसलेट एंड रिंग है इसके, कुछ इस टाइप से ये ब्रेसलेट एंड रिंग हैंड में डलती है, ये फिंगर में डलेगी आपकी। बट क्या है मुझे रिसीव हुआ था गाइस टूटा हुआ, जो इसकी रिंग है ना वो निकली हुई है, देख सकते हो आप ये निकला हुआ है यहाँ पे यहाँ से। बट मैंने इसे चिपका भी दिया था फेविक्विक के साथ, बट जब मैं वेयर करने लगी तो ये अगेन से निकल गया, तो मैंने जस्ट इसे ब्रेसलेट वेयर कर लिया एंड ये लटकता रहा नीचे, तो वैसे भी अच्छा लग रहा था। बट अगर आप इसे चिपकाओगे तो ये चिपक भी जाएगा अच्छे से, यहाँ पे फेविक्विक लगा के ये चिपक सकते हो, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया है ये। एंड ऐसे भी अच्छा लग रहा था कि आप इसे ऐसे वेयर कर लो एंड आप इसे ऐसे वेयर कर लो ब्रेसलेट की तरह एंड ये नीचे लटकेगा, तो ये भी अच्छा लगता है। सो अदरवाइज अगर आप चिपकाना चाहो तो ये चिपका भी सकते हो, क्या पता आपको सही भी रिसीव हो। मुझे थोड़ा सा डैमेज रिसीव हुआ था, ये निकली हुई थी इसकी रिंग्स। सो गाइस यही था हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो हल्दी फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ। सो गाइस इसका प्राइस है ओनली 148 रुपीज़, मीन्स इतना अच्छा हल्दी सेट आपको 148 में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने हर जगह चेक किए, काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है हर जगह, मीन्स 300 से कम के तो है ही नहीं है कहीं भी, 300 का भी पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं। बट शॉपसी ऐप पे ही आपको 148 का इजीली मिल जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस। 148 में आपको साथ में नेकलेस मिल रहा है, मांग टीका मिल रहा है, दो इयररिंग्स मिल रहे हैं, साथ में ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो अगर आप अपने हल्दी फंक्शन के लिए कोई ज्वेलरी देख ही रहे हो तो आप ज़रूर इसे परचेज कर रहे हो, पहनी हुई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। साइड में मैं आपको पिक्स एंड वीडियोज़ लगा दूँगी इसकी। सो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये, जो कि कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। ये है वैम्बले ब्रांड का प्रोडक्ट, इसके अंदर मुझे ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी रिसीव हुई है एंड मैंने इसे 2-3 बार वियर
3 to 4 टाइम्स मैंने इसे वियर भी कर लिया है। सो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की ज्वेलरी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। एंड जो इसके अंदर ये बटरफ्लाइज हैं, ये आप इधर उधर भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो इन्हें। सो कुछ इस टाइप का ही आपको रिसीव होगा। एंड इस टाइप से आपको इसके अंदर ये स्टोन्स लगे हुए मिलेंगे। सो गाइज, ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आपकी हर एक आउटफिट जीन्स टॉप के साथ, वेस्टर्न वियर के साथ एंड ट्रेडिशनल वियर के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ पहन लीजिए, सबके साथ बहुत प्यारा लगेगा। मैंने इसे सूट के साथ, गाउन के साथ, मतलब हर एक आउटफिट के साथ आप इसे ईजिली वियर कर सकते हैं गाइज। वेस्टर्न वियर के साथ, इंडो वेस्टर्न के साथ, साड़ी के साथ, हर चीज़ के साथ अच्छा लगेगा। मीन्स ऑलराउंडर ज्वेलरी है ये। बट ये आप ज़्यादा टाइम के लिए वियर नहीं कर सकते हो, मीन्स आपने थोड़ी देर के लिए वियर करना है तो आप इजिली वियर कर सकते हो। बट अगर आप पानी वगैरह में इसे डालोगे तो ये ख़राब हो जाएगी, बिकॉज ये ब्लैक पड़ने लग जाए। ऑफकोर्स ये गोल्ड तो नहीं है ना गाइज, तो इसलिए ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए आप इसे पानी वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हो। वैसे आप थोड़े बहुत फंक्शन के लिए इसे वियर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। एंड ये है वेम्बले ब्रांड का, इनकी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जितनी भी हैं सभी बहुत अच्छी हैं। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैंने गाइस ये परचेज़ किया था शॉपी ऐप से, बट ये शॉपसी पे भी अवेलेबल है। शॉपी ऐप तो गाइस अभी बंद हो चुका है, बट ये शॉपसी पे भी अवेलेबल है, तो आप शॉपसी से परचेज़ कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाइस। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है गाइस क्लिजोनील ज्वेलरी का। सो ये है गाइस क्लिजोनील ज्वेलरी, एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आपको रिसीव होगी। एंड गाइस इसके अंदर गाइज मुझे 2 नेक पीस रिसीव हुए थे। मैंने एक ही ब्रांड के 2 नेक पीस ऑर्डर किए थे, तो मुझे दोनों एक ही साथ रिसीव हुए थे। सो फर्स्ट है गाइज ये, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा है ये नेक पीस, चेन है मतलब ये। एंड इसके अंदर डक बना हुआ है ये, एंड इसके ऊपर सीक्वेंस वाला वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। एंड वियर किया हुआ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे भी आप अपनी किसी भी आउटफिट के साथ वियर कर सकते हैं, किसी भी ब्लैक आउटफिट के साथ या किसी भी आउटफिट के साथ, बिकॉज ये ब्लैक कलर में तो हर एक आउटफिट के साथ चल जाएगा आपकी, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है देखने में। एंड गाइज उसके बाद है ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड इसकी जो चेन है वो भी रोज़ गोल्ड कलर की है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद है गाइज मेरे पास ये, जो कि है एक रेनबो नेक पीस। सो गाइज आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा रेनबो है ये, छोटू सा, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सो ये भी आप किसी भी टॉप के साथ या फिर किसी भी अपनी वेस्टर्न आउटफिट के साथ वियर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप का चेन वाला नेक पीस। एंड गाइज जो ये इसके अंदर का ये पेंडेंट है, ये आप निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं इस चेन में। तो गाइज इस टाइप का आपको पेंडेंट रिसीव होगा, ये आप निकाल भी सकते हैं इस चेन में से, अगर आप चाहो तो किसी दूसरी चेन में से डाल सकते हैं, बिकॉज जो इसकी चेन इसके साथ रिसीव हुई है ये काफ़ी ज़्यादा गोल्डन है, डार्क वाला गोल्डन, बिल्कुल येलो वाला। सो इतना ज़्यादा गोल्डन अच्छा नहीं लगता है पहनने में, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सटल वाला गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगर आप चाहो तो इस पेंडेंट को अपनी किसी और चेन में भी आप डाल सकते हो, बट इसका पेंडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड आपकी वेस्टर्न आउटफिट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्पेशली समर्स में इस टाइप के पेंडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो गाइज ये था हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज ये भी मैंने शॉपी ऐप से परचेज किया था, बट शॉपी ऐप अब बंद हो चुका है, बट आपको ये शॉपसी ऐप पे भी मिल जाएंगे गाइज दोनों पेंडेंट, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइज। सो गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, जो कि कुछ इस टाइप से रैप होके मुझे रिसीव हुआ था इसमें। एंड इसमें है गाइस ये ब्यूटीफुल सी नथ या नोज रिंग भी बोल सकते हो आप इसे, ब्यूटीफुल सी नोज रिंग है इसमें। एंड कुछ इस टाइप से, एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है गाइज, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारी है ये। एंड गाइज मैंने इसे ऑर्डर किया है अपने ब्राइडल लुक के लिए। सो जस्ट अगर आपका नाक नहीं है बिंदा हुआ तो आप इसे ऐसे भी वियर कर सकते हो।
सो कुछ इस टाइप से इसका लुक आएगा गाइज। एंड जो इसकी साइड में चेन है इस पर भी पूरे पर्ल का काम किया हुआ है, आप देख सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा ये वियर किया हुआ। एंड गाइज इसके अंदर स्टोन है, ये यहाँ पे ये रेड कलर का स्टोन लगा हुआ है एंड यहाँ पे सारे पर्ल लगे हुए हैं वाइट कलर के। एंड नीचे भी आपको ये लटकते हुए तीन स्टोन्स मिलेंगे, एक रेड कलर का एंड दो ग्रीन। सो अगर आपका रेड ग्रीन किसी भी कलर का लहंगा है तो आप आपके लहंगे के साथ ये परफेक्टली जाएगा। इसके साथ मैं एक ब्राइडल लुक क्रिएट करूँगी गाइज, सो आप मेरे ब्राइडल लुक में देखना, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। एंड गाइज जो इसका प्राइस है 146 में गाइज आपको इतनी प्यारी नोज रिंग मिल रही है, सो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइज 146 में। सो गाइज हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ब्यूटीफुल से नेल्स, जो कि कुछ इस टाइप के हैं। आई विल शो यू, ये मैंने अपने हल्दी लुक में वियर किए थे गाइज। इनका भी इनकी पिक भी मैं आपको साइड में शो कर दूंगी, तो आप देख लेना इनका कितना प्यारा लुक आ रहा था। ये मीन्स थोड़ा समरी वाइब दे रहे हैं, तो आप अपनी किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी इन्हें वियर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा समरी लुक आ रहा है इनके साथ। सो कुछ इस टाइप के ये नेल्स हैं, पीच सा कलर है पूरे नेल का एंड इस टाइप से उसके ऊपर सनफ्लावर बना हुआ है। सो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। सो गाइज कुछ इस टाइप से आपको इसमें नेल्स मिलते हैं एंड इसमें आपको टोटल 24 नेल्स रिसीव होंगे। कुछ पे आपको इस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है सनफ्लावर वाला एंड कुछ पे गाइज आपको इस टाइप से एक लाइन मिलेगी येलो कलर की एंड ये पूरा पीच कलर का है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है। सो इस टाइप से आपको ये 24 नेल्स का सेट मिलेगा गाइज। एंड गाइज इसके साथ आपको रिसीव होगा कुछ इस टाइप का ये प्रेस ऑन ग्लू होता है, जो मीन्स इससे आप हटा के एंड नेल्स पे लगा के इसके ऊपर आप नेल्स लगा सकते हो, ग्लू का काम करता है ये बहुत इजी होता है इसके ऊपर नेल्स लगाना एंड बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे आपके नेल्स, जैसे कि ग्लू से कई बार निकल जाते हैं बट इससे नहीं निकलते हैं। मैंने काफ़ी देर तक इन्हें लगा के रखा था इसके साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड काफ़ी अच्छी इनकी स्टिंग पावर है। सो एंड साथ में गाइस मुझे रिसीव हुआ था गाइस 24 एंड इसके साथ मुझे ये कुछ इस टाइप के दो टूल्स भी रिसीव हुए हैं। ये आपके नेल्स का सरफेस थोड़ा ड्राई कर देते ताकि ईजिली से आपके नेल्स चिपक जाएँ उस पर एंड साथ में ये क्यूटिकल को थोड़ा नीचे करने के लिए होता है साथ में एक। इसका प्राइस है 249 में मुझे नेल्स का पेयर रिसीव हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 249 में सही मीन्स इनका प्राइस सही है। सो गाइज उसके बाद है नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये, जो कि मुझे कुछ इस टाइप से रैप किया हुआ रिसीव हुआ था एंड इसमें भी हमें रिसीव हुआ है नेल्स कि हैं कुछ इस टाइप के ब्यूटीफुल से, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से एंड क्लासी से नेल्स हैं। ये मैट में हैं ये ब्लैक वाले एंड कुछ नेल्स इसमें आपको प्लेन दिख रहे हैं, इसमें ये स्टोन्स लगे हुए हैं इस पर एंड इस नेल के ऊपर आपको इस टाइप का एक बो बना हुआ मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रहा है एंड दो नेल्स के ऊपर इस टाइप से आपको एक एक स्टोन लगा हुआ मिलेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं एंड ब्लैक कलर के हैं, तो आपके हर एक आउटफिट के साथ चल जाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन्हें वियर करने के लिए। सो गाइस जो इसका प्राइस है वो मुझे नहीं पता लग रहा, वो मैं आपको साइड में मेंशन कर दूँगी। ये कुछ 300 अराउंड के ही थे एंड इसके साथ कुछ इस टाइप से मुझे ग्लू रिसीव हुई है बट इसके अंदर कुछ होता नहीं है, छोटू सी है ये। सो गाइस मेरे पास है नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये आई लैश कर्लर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइज एंड ये मुझे सिर्फ पड़ा है 80 रुपीज़ में, तो 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड अच्छे से कर्ल कर देता है हमारे आई लैशेज को। सो गाइज नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास ये ब्रशेज, जो कि सो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं देखने में, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुए हैं एंड टोटल 10 ब्रशेज हैं गाइज ये एंड कितना ज़्यादा प्यारे हैं देखने में, आप देख सकते हो किस टाइप से ये पीछे की तरफ इन पर मरमेड का डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है देखने में। मतलब क्वालिटी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले इतने ज़्यादा खूबसूरत है ना, वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं पकड़े हुए, मीन्स जब हम मेकअप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब हम इन्हें ऐसे पकड़ के मेकअप करते हैं तो। सो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से हैं देखने में
एंड टोटल 10 ब्रशेज़ का सेट आपको यहाँ पे रिसीव होता है। एंड गाइज इसमें आपको फेस ब्रशेज़ वाला सेट भी मिलेगा, बट मुझे फेस ब्रशेज़ की नीड नहीं थी बिकॉज मैं अपना फेस मेकअप ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ फेस मेकअप के लिए। तो मैंने आई ब्रशेज़ वाला सेट मंगवाया है जिसके साथ मुझे एक फ़ैन ब्रश यहाँ पर रिसीव हुआ है। कुछ इस टाइप से इसकी क्वालिटी ठीक है गाइज, मीन्स अच्छी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, तो अच्छी लगी मुझे क्वालिटी। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इसके ब्रिसल्स एंड काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर देता है ये हाइलाइटर। सो गाइज ये थे हमारे 10 ब्रशेज़ का सेट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके आई मेकअप के लिए एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है देखने में, आप देख सकते हैं। इसके ब्रिसल्स भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, सो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। सो गाइज इनका प्राइस है ओनली 154 रुपीज़ में आपको इतने ब्यूटीफुल से एंड इतने सारे ब्रशेज मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपका आई मेकअप करने में। मैं इन्हीं ब्रशेज़ की हेल्प से अपना आई मेकअप कर रही हूँ अभी, जो मेरी चैनल पे वेडिंग सीरीज़ चल रही है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो अभी जाके ज़रूर चेकआउट करें। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं वो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये एक आई शेडो पैलेट है। तो गाइज इसी की हेल्प से मैंने अपने सारे वेडिंग द सीजन सीरीज़ के लुक क्रिएट किए हैं एंड मैं हर एक सीरीज़ में यही वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उन सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइज ये है कुछ इस टाइप की पैलेट जिसका नेम है, ये है कलर बोर्ड की ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट, जो कुछ इस टाइप की पैकेज में एंड इस टाइप से ये मैग्नेट की हेल्प से ये बंद हो जाती है एंड ऐसे ये ओपन हो जाती है। सो गाइस ये है हमारी आई शेडो पैलेट जो कि आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी एंड इस टाइप से आपको इसके अंदर कलर्स मिलेंगे गाइस इतने सारे एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिली है गाइस शॉपसी ऐप पे एंड बहुत सारे इसके अंदर आपको प्रिटी प्रिटी से शेड्स मिलेंगे। इसमें आपको मैट शेड, शिमर शेड एंड ग्लिटर शेड्स भी देखने को मिलेंगे। ये ग्रीन फैमिली, ये ऑरेंज फैमिली, ये ब्लू फैमिली एंड ये पर्पल फैमिली कुछ इस टाइप से आपको मिलेंगे एंड जिससे आप इजीली अपने आई लुक्स को क्रिएट कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं एक अच्छी सी। सो इनकी पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला येलो कलर हम देखते हैं, वाओ इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको दो तीन कलर्स की अच्छे से पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, पिगमेंटेड सो आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस टाइप से इनकी पिगमेंटेशन है एंड मैं आपको इनका स्वेच भी दिखा देती हूँ, देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये एंड आइज़ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड लगती है अप्लाई करने के बाद। सो मैंने ये अप्लाई भी किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आई लुक्स हम इनसे क्रिएट कर सकते हैं। ये तो जितने भी शेड्स मैंने आपको दिखाए थे गाइस वो सारे थे मैट, अब मैं आपको शिमर शेड्स दिखाती हूँ। शिमर शेड्स इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गाइस एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसके शिमर शेड्स। सो गाइस ये हैं इसके शिमर शेड्स, इसके शिमर शेड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन आई है इनके शिमर शेड्स की भी। अब हम इनके स्पार्कल वाले ग्लिटर शेड्स देखते हैं किस टाइप के हैं। इनको अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कितने ज़्यादा पिगमेंटेड हैं इनके ग्लिटर शेड्स। अगर आप ग्लू के ऊपर इन्हें अप्लाई करोगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे एंड बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होगा, जैसे कि अभी तो ये थोड़े फॉल आउट करेंगे अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई कर लोगे। ग्लू अप्लाई कर लो, आप आई लैश ग्लू, कोई भी आई लैश ग्लू अप्लाई कर लो, देन इसे अप्लाई करो तो बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाएंगे आपकी आईज़ पे। तो गाइज ये थी हमारी आई शेडो पैलेट ब्यूटी ग्लेज्ड की आई शेडो पैलेट, बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। सो गाइज इसका जो प्राइस है वो है 333 मीन्स 333 की मुझे पड़ी है एंड थोड़े प्राइजेस कम ज़्यादा होते रहते तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो मुझे मिली है ये 333 की जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड आपको इसके अंदर हर एक टाइप का शेड एंड हर एक टाइप का आई शेडो मिल जाएगा इसके अंदर, शिमर आई शेडो, मैट एंड ग्लिटर्स आई शेडोज आपको एक ही पैलेट में मिल जाएंगे। तो गाइज अब हमारे पास बची हैं हेयर एक्सेसरीज, मैंने शॉपसी ऐप से कुछ हेयर एक्सेसरीज मंगवाई थी तो वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। सो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये जो कि मुझे कुछ इतनी बड़ी पैकेजिंग में छोटू सा रिसीव हुआ है, तो
ये है गाइज बन पे लगाने के लिए एक गजरा, ये मैंने मंगवाया अपने ब्राइडल लुक के लिए। तो ब्राइडल लुक के लिए मैं वहाँ पे बन बनाऊंगी तो उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। गजरा है ये बन के ऊपर लगाने के लिए, या फिर आप इसे रबर बैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बट बन के ऊपर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो कुछ इस टाइप का, ये प्लास्टिक का है, ये फ्लावर भी एंड ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसके अंदर जो इलास्टिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप इनको इसको अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ईजिली स्ट्रेच कर सकते हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाइज। सो गाइज इसका प्राइस है ओनली 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में आपको इतना ब्यूटीफुल सा गजरा मिल रहा है एंड आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में बन के ऊपर लगा सकते हो तो आपके बन पे ये चार चांद लगा देगा। सो गाइज इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे ये हेयर एक्सेसरी, ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स येलो कलर के जो कि मैंने अपने हल्दी लुक के लिए मंगवाए थे एंड मैंने इन्हें लगाया भी था, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये। सो कुछ इस टाइप के फ्लावर्स आपको रिसीव होंगे इसमें। ये था 6 फ्लावर्स का सेट है ये एंड आप इसे अपनी ब्रेड में लगा सकते हो, बन पे लगा सकते हो या कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हो तो वहीं पे ये सेट हो जाएंगे आपके, कहीं पे भी आप इन्हें इजीली लगा सकते हो। मैं इनकी साइड में आपको पिक दे दूँगी कि किस टाइप का लुक देंगे आपको। सो इस टाइप से आपको ये 6 फ्लावर्स का सेट रिसीव होगा इस टाइप से। सो गाइज इसका प्राइस है ओनली 123 रुपीज़। इसका प्राइस है गाइज जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप ये भी ज़रूर बाय कर सकते हो। ये मैंने अपने हल्दी लुक के लिए बाय की थी, हल्दी वगैरह में इस टाइप की हेयर एक्सेसरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट हेयर एक्सेसरी है आप मेरे पास यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी है, जो कि मुझे कुछ इस टाइप से मिली है इसमें एंड तो ये कुछ इस टाइप की है, देख सकते हो आप कितने अच्छे पर्ल्स लगे हुए हैं इस पर, इस टाइप से लीफ बन के एंड साइड में ये पर्ल्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप यहाँ से ब्रेडिंग करके एंड उसके ऊपर आप ये लगा सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगी आपके हेयर्स को। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी हेयर एक्सेसरी है, तो इसमें भी ये मुझे 6 रिसीव हुए हैं कुछ इस टाइप से। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है गाइज। सो गाइज ये मुझे कुछ पड़ी है 210 रुपीज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं ये बीड्स भी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। सो ये मुझे पड़े हैं 210 रुपीज़ के गाइज। सो गाइज यही था हमारा आज का शॉपसी हॉल गाइज। आई होप गाइज आज की मेरी ये वीडियो एंड सभी प्रोडक्ट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे गाइज। सो गाइज सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके ज़रूर चेकआउट करना एंड अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसे बाय कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे सभी प्रोडक्ट्स हॉल। आई होप गाइज आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच गाइज, love you all, till then bye bye।